नमस्कार, मध्य प्रदेश स्वागत है आपका आज के रोजगार समाचार में। जिला जज के पदों पर पटना उच्च न्यायालय में भर्ती आई है। यह भर्ती कुल 30 पदों पर न्यायाधीश के पदों के लिए आई है। आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर 2023 से ही शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 जनवरी 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस भर्ती के आवेदन के लिए लिए जाने वाले आवेदन शुल्क के बारे में। तो आपको बता दें कि उम्मीदवारों से परीक्षा शुल्क के रूप में 1500 रुपए लिए जाने हैं। हालांकि जो उम्मीदवार बिहार के एससी एसटी और ओएच कैटेगरी से आते हैं उन्हें इस आवेदन के लिए 750 रुपए ही देने होंगे। आइए अब जानते हैं पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की क्या शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। तो बता दें कि उम्मीदवारों ने लॉ में बैचलर डिग्री प्राप्त की हो, साथ ही वकालत की प्रैक्टिस करते हुए 7 साल पूरे हो चुके हों। इसके अलावा आपको एक घोषणा पत्र भी देना होगा जिसमें यह बताना होगा कि आप बीते 3 वर्षों में हर साल कम से कम 24 केसेस में अपीयर हुए हैं। जिन उम्मीदवारों का चयन इन पदों पर होगा उन्हें हर महीने वेतन के रूप में 51,550 रुपए से लेकर 63,070 रुपए तक दिए जाएंगे। इसके अलावा इन्हें घर का किराया, डीए, टीए समेत अन्य कई भत्ते दिए जाएंगे। इन भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा की बात करें तो उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। आपको बता दें कि आयु की गणना 20 जनवरी 2024 से की जाएंगी। हालांकि आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाएंगे। आइए बात करते हैं उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया के बारे में। तो बता दें कि इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जहां उम्मीदवारों के सिलेक्शन के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू लिए जाएंगे। आगे थ्योरी के पेपर को 80% वेटेज दिए जाएंगे, वहीं वाइवा में इसके लिए 20% मिलेंगे। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में कम से कम 45% अंक स्कोर किए हैं केवल उन्हें ही साक्षात्कार की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। आइए अब आखिर में बात करते हैं इसके आवेदन प्रक्रिया के बारे में। लेकिन ध्यान रखें कि आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले इसके नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लें। नोटिफिकेशन लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, उसके बाद इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसका लिंक भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है। इस आधिकारिक वेबसाइट पर आते ही आप जिला न्यायाधीश के ऑनलाइन आवेदन बार परीक्षा 2023 पर क्लिक करें। उसके बाद आवेदन पत्र प्राप्त होते ही उसे अच्छी तरह से भर लें, मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड कर दें, फिर आवेदन को सबमिट कर दें। आवेदन की एक प्रति अपने पास रखना ना भूलें क्योंकि हो सकता है कि आपको भविष्य में काम आए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।